हेलो एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारा महाविद्यालय श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। हम लास्ट वीडियो में अपने बीए फाइनल के विश्व के प्रादेशिक भूगोल में हम एशिया के खनिज संसाधनों के बारे में हम बात कर रहे थे और हमने एशिया के धात्विक और अधात्विक खनिजों के बारे में हमने देख लिया था। और आज के वीडियो में हम एशिया के जो शक्ति के संसाधन हैं उनके बारे में हम देखते हैं। और शक्ति के संसाधन में आज सबसे पहले हम कोयले की बात करते हैं। तो देखिए, एशिया महाद्वीप में जो कोयले के जो विभिन्न प्रकार हैं, जैसे एंथ्रासाइट, दूसरा लिग्नाइट, बिटुमिन और पीट, इन सभी प्रकार के कोयले का उत्पादन एशिया महाद्वीप में किया जाता है। उसके आगे हम देखें कि एक कोयले के उत्पादन में एशिया में कौन सा देश अग्रणी है। देखिए, चीन का प्रथम स्थान है कोयले के उत्पादन में एशिया महाद्वीप में। चीन का प्रथम स्थान है और चीन के अंतर्गत विश्व का 12% कोयले का उत्पादन किया जाता है। और हम एशिया का देखें तो एशिया का 62% कोयले का उत्पादन चीन के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, तो एशिया के अंतर्गत कोयले के जो सभी प्रकार हैं, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिन, पिट, ये सभी प्रकार के कोयले का उत्पादन एशिया महाद्वीप में किया जाता है। और एशिया महाद्वीप का सर्वप्रथम अग्रणी जो देश है कोयले के उत्पादन में तो वो चीन है। चीन का कोयले के उत्पादन में प्रथम स्थान है। यहाँ पर विश्व का 12% कोयले का उत्पादन किया जाता है और एशिया महाद्वीप का 62% कोयले का उत्पादन चीन में किया जाता है। उसके बाद हम चीन के जो प्रथम जो मुख्य क्षेत्र हैं कोयले के उत्पादन के, जो मुख्य क्षेत्र हैं उन मुख्य क्षेत्रों की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे कोयले के उत्पादन में होपेई, शानसी और शानतुंग प्रमुख क्षेत्र हैं। होपेई, शानसी और शानतुंग, ये तीन क्षेत्र चीन के कोयले के उत्पादन में प्रथम स्थान, मतलब प्रमुख स्थान है चीन के। होपेई है, शानसी और शानतुंग, ये तीन प्रमुख क्षेत्र हैं कोयले के। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो भारत में भी कोयले का उत्पादन किया जाता है और भारत का कौन सा स्थान है, द्वितीय स्थान है एशिया महाद्वीप में कोयले के उत्पादन में भारत का द्वितीय स्थान है। और कोयले की जो प्रमुख नदी घाटियाँ हैं, जैसे कोयले के बारे में हम बात करें तो भारत में दो प्रकार से कोयला उत्पादन किया जाता है, एक गोंडवानालैंड का तो कोयला और एक टर्शियरी युगीन कोयला। ठीक है, और भारत में जो अधिकांश कोयले का उत्पादन किया जाता है वो केवल गोंडवानालैंड की चट्टाने हैं उनमें किया जाता है। और भारत की जो प्रमुख नदी घाटियाँ हैं, जैसे सोन नदी घाटी, गोदावरी नदी घाटी है, उसके अलावा महानदी घाटी और कावेरी नदी घाटी में भी कोयले का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो भारत में कोयले के उत्पादन प्रमुख जो कोयले का उत्पादन भारत में किया जाता है तो प्रमुख नदी घाटियों में ही कोयले का उत्पादन किया जाता है। उसके अलावा भी हम देखें तो कोयले के जो प्रमुख खाने हैं, जैसे पश्चिमी बंगाल और बिहार में, भारत में पश्चिमी बंगाल और बिहार में भी कोयले की खाने हैं। ठीक है, इस प्रकार से भारत का कोयले के उत्पादन में दूसरा स्थान है। उसके बाद हम देश के अन्य क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पे कोयले का उत्पादन उत्तरी और दक्षिणी कोरिया और जापान, अगले इसके प्रमुख क्षेत्र हैं उत्तरी दक्षिणी कोरिया, उत्तरी दक्षिणी कोरिया और जापान में भी कोयले का उत्पादन एशिया महाद्वीप में किया जाता है। ठीक है, उत्तरी दक्षिणी कोरिया और जापान में भी कोयले का उत्पादन किया जाता है। उत्तरी कोरिया के एलोंग घाटी के तटीय क्षेत्र, ठीक है, उत्तरी कोरिया के तो एलोंग घाटी के तटीय क्षेत्रों में कोयले का उत्पादन होता है। और जापान के बारे में हम देखें तो जापान के क्योंसू द्वीप में कोयले का उत्पादन
किया। ठीक है, उत्तरी दक्षिणी कोरिया में तो एलोंग घाटी है, उस एलोंग घाटी के तटीय क्षेत्रों में और जापान में कोनसू द्वीप में कोयले का उत्पादन होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखें एशिया के प्रमुख अन्य क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, फिलीपींस अन्य देश हैं एशिया के कोयले के उत्पादन में। अन्य देश इंडोनेशिया है, फिलीपींस, ठीक है, वियतनाम, बांग्लादेश, म्यांमार, ठीक है, म्यांमार है, थाईलैंड, ईरान, इराक, टर्की और सीरिया, इन क्षेत्रों में भी कोयले का उत्पादन थोड़ी बहुत मात्रा में किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से कोयले के एशिया महाद्वीप में मुख्य दो देश हैं, एक है चीन जिसका प्रथम स्थान है कोयले में और भारत है उसके बाद। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो उत्तर दक्षिणी कोरिया में भी कोयले का उत्पादन होता है, उत्तर दक्षिणी कोरिया की एलोंग घाटी में और जापान के कोनसू द्वीप में कोयले का उत्पादन किया जाता है। और इसके जो अन्य देश हैं वो हमने देख लिए हैं। उसके बाद हम देखते हैं पेट्रोलियम, अगला जो शक्ति का संसाधन है वो है पेट्रोलियम। देखिए एशिया महाद्वीप में पेट्रोलियम की हम बात करें तो मुख्यतः एशिया महाद्वीप का जो पश्चिमी एशिया है, पश्चिमी एशिया में पेट्रोलियम का उत्पादन विशेष रूप से किया जाता है। पश्चिमी एशिया के जो देश हैं जैसे ईरान, इराक, सऊदी अरब, बगदाद, संयुक्त अरब अमीरात इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है, जो खाड़ी प्रदेश भी कहा जाता है। इन खाड़ी प्रदेशों में विशेष रूप से एशिया महाद्वीप में पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है, जिसमें प्रमुख है ईरान, इराक, सऊदी अरब, बगदाद, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, देखिए इन क्षेत्रों में, इन खाड़ी प्रदेशों में एशिया महाद्वीप का विश्व का हम बात करते हैं, यहाँ पे विश्व का 55% पेट्रोलियम का उत्पादन इसी क्षेत्र में किया जाता है। विश्व का 55% पेट्रोलियम का उत्पादन इन खाड़ी प्रदेशों में ही किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम एशिया महाद्वीप के अन्य क्षेत्रों की भी हम बात करें तो यहाँ के जो अन्य क्षेत्र हैं पेट्रोलियम के उत्पादन में, चीन है, इंडोनेशिया और भारत में भी पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। तो हम चीन में देखें तो चीन की जो सिक्यांग घाटी है, चीन की सिक्यांग घाटी के अंतर्गत पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। और इंडोनेशिया की देखें तो हम इसमें जावा और बोर्नियो के द्वीपों में पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। और हम भारत की बात करें तो भारत में असम के डिगबोई क्षेत्र में पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद हम देखें तो जामनगर गुजरात में भी पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। और पश्चिमी राजस्थान में पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार से हम देखें पेट्रोलियम के बारे में तो पेट्रोलियम का जो मुख्य क्षेत्र है एशिया महाद्वीप के तो वो है पश्चिमी एशिया के जो खाड़ी प्रदेश हैं जिसमें ईरान, इराक, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बगदाद, ठीक है, दुबई, ये सभी क्षेत्र हैं। इसके अलावा इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। इन क्षेत्रों में विश्व का 55% पेट्रोलियम का उत्पादन केवल इन्हीं क्षेत्रों में ही किया जाता है। और यहाँ के पेट्रोलियम का जो विदेशों में भी निर्यात किया जाता है। ठीक है, और एशिया महाद्वीप के हम अन्य क्षेत्रों की बात करें तो अन्य देशों में चीन, भारत और इंडोनेशिया में भी पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। चीन में सिक्यांग घाटी में पेट्रोलियम का उत्पादन होता है, इंडोनेशिया के जावा और बोर्नियो के द्वीपों में, और भारत में
असम का जो डिगबोई क्षेत्र है, असम के डिगबोई में, जामनगर गुजरात में और पश्चिमी राजस्थान में भी पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार से आज की वीडियो में हम एशिया महाद्वीप के प्रमुख जो शक्ति के साधन हैं उनके बारे में हमने बात कर ली है और आज का टॉपिक हमारा यही समाप्त होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेके आ रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।